बी पार्ट प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार, कुछ भी पढ़ने से पहले हमारे इष्ट देव को प्रणाम करना। तो आज हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक का अंका अनुसार कथा वस्तु का वर्णन का अध्ययन करेंगे कि इसमें कुल कितने अंक हैं। इसमें कुल 6 अंक हैं। सबसे पहले हम प्रथम अंक की कथा के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रथम अंक की विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ महाकवि भास के नाटकों में स्वप्न वासवदत्तम 6 अंकों का एक सफल नाटक है और इसकी कथा वस्तु का सार हम क्रम से अंक के अनुसार ही हम करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कथा क्या है, इसके विषय में थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए कि प्रथम अंक जब प्रारंभ होता है, जब नाटक की प्रस्तावना में जिसे भास स्थापना कहते हैं, जिसे सर्वप्रथम किसी भी जब हम नाटक को लिखने जाते हैं या उसका प्रारंभ करते हैं तो कवियों के द्वारा उसमें मंगलाचरण किया जाता है, जिसे नांदी नाम से कहा जाता है। और महाकवि भास ने उस मंगलाचरण को स्थापना नाम से कहा गया है कि दो लाइनों का एक मंगलाचरण है, जो मंगलाचरण अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति स्तुति की जाती है, जिसमें उसको कोई भी कार्य करते हैं तो हम भी है, चाहे वो परीक्षा का कार्य हो, परीक्षा में परीक्षा देने समय घर से निकलते पहले सबसे पहले हम भगवान को नतमस्तक करते हैं, नतमस्तक होकर के आते हैं कि भगवान आज का पेपर मेरा अच्छा सा हो जाना चाहिए। तो ये हमारी एक भारतीय परंपरा, एक भारतीय संस्कृति की श्रद्धा मानिए कि भगवान के प्रति कि हम उसको ये हमारे अब भाव बताते हैं कि मैं ये कार्य करना चाह रहा हूँ और मुझे इसमें सफलता मिलनी चाहिए। इसी परंपरा का वह परिवहन करने के लिए कवियों ने भी अपने, किसी भी कवि ने अपने नाटक को प्रारंभ करने से पहले अपने नाटक में मंगलाचरण जरूर किया है और मंगलाचरण के बाद में ही मुख्य कथा वस्तु पर वो आए हैं। तो यहाँ महाकवि भास ने भी नाटक की प्रस्तावना में सर्वप्रथम श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उनकी स्तुति की है। अपने मंगलाचरण में श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, जो आप सभी लोग परिचित हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम ही हैं, और उनकी स्तुति की है, जिसे नांदी कहते हैं। और सूत्रधार आवाज़ सुनता है कि कुछ व्यक्ति हटो हटो कहते हैं और लोगों को हटा रहे हैं, और सूत्रधार उनका परिचय देता है कि ये राजकुमारी पद्मावती के अनुचर हैं और जंगल में आश्रम में रहने वाले तपस्वियों को हटाकर राजकुमारी का मार्ग स्पष्ट करा रहे हैं, निरापद करा रहे हैं, उसको निरापद बना रहे हैं कि मतलब रास्ते को थोड़ा सा खुला हो जिससे कि उनका रथ आसानी से निकल जाए। तो मंगलाचरण के बाद नाटक के आरंभ में सर्वप्रथम राजा उदयन का जो मंत्री है योगेंद्रायण, सन्यासी का वेश धारण किए हुए रंगमंच पर आता है और साथ में अवंती का वेश धारिणी, जो मालव प्रांत की जो स्त्रियां हैं कि एक वेशभूषा, एक विशेष प्रकार की वेशभूषा को धारण किए करती हैं, ऐसी वेश धारिणी अवंतिका वासवदत्ता के साथ तपोवन में आते हैं और राजकुमारी पद्मावती के अनुचरों द्वारा तपस्वियों को जबरदस्ती हटाए जाने की घोषणा को सुनकर वासवदत्ता अपमान अनुभव करती है, क्योंकि उसे महारानी होने का एहसास होता है। योगेंद्रायण उसे समझाता है, उसे सांत्वना देता है। उसके कहने पर राजकुमारी का कंचुकी राजकुमारी की आज्ञा से अनुचरों को तपस्वियों के साथ होने वाले अपमानजन्य व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं
और कंचुकी वहाँ की तपस्वियों की पसंद के करने के लिए घोषणा करती है कि जिस किसी भी तपस्वी को जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता है वह आकर अपनी इच्छा को अभिव्यक्त कर दे और राजकुमारी जी उसे अवश्य उनको पूर्ण करेगी। यानी कि पद्मावती है कुछ धर्मार्थ कार्य के लिए वन में आती है और तपस्वियों को किस प्रकार की क्या जरूरत है, किसी को कलश की जरूरत है, किसी को कपड़ों की जरूरत है, किसी को पादुकाओं की जरूरत है, तो किसी को जो भी जरूरत है वो धर्मार्थ के लिए धर्म पुण्य का कार्य करने के लिए वहाँ तपोवन में आती है। इसलिए उसके जो अनुचर हैं वो धृष्टतापूर्वक उनके सिपाही हैं वो उनको हटा रहे हैं, इसलिए वो एक धर्म के काम से वहाँ पर तपोवन में आती है और ये एक घोषणा करवा देती है कि जिस व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वह मुझसे आकर के ले ले। लेकिन अब वहाँ पर तो आश्रम में सभी तपोवन के जो तपस्वी थे संतुष्ट थे, लेकिन इधर से योगेंद्रन और वासव दत्ता जो वेश बदल करके गए थे वो पद्मावती से कुछ मांगते हैं, तो वहाँ पर अपनी इच्छा को अभिव्यक्त कर दे राजकुमारी जी से अवश्य पूर्ण करेंगी। और अवसर पा करके योगेंद्रन ही सामने आता है और अपनी बहन अवंतिका को पद्मावती के संरक्षण में रखने की प्रार्थना करता है। यद्यपि न्यास का रक्षण बहुत कठिन होता है परंतु घोषणा को ध्यान में रखते हुए पद्मावती अवंतिका को अपने संरक्षण में रखने का निर्णय ले लेती है और योगेंद्रन उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। और इसी समय एक ब्रह्मचारी है वो तपोवन में विश्राम करने के लिए रुकता है और प्रसंगवश लावणक ग्राम के अग्नि कांड में वासव दत्ता उसे बचाने के प्रयास में मंत्री योगेंद्रन के जलकर मरने की घटना सुनाकर राजा के उसके वियोग में दुखी होकर उसी अग्नि में कूदकर मरने की चेष्टा करना और मंत्रियों द्वारा उसकी प्राण रक्षा करने आदि का विवरण बताता है। और इसके पश्चात ब्रह्मचारी तथा पद्मावती की अनुमति लेकर योगेंद्रन वहाँ से चले जाते हैं और कंचुकी द्वारा संध्या होने की सूचना पाकर पद्मावती और वासव दत्ता तापसी से आशीर्वाद लेकर के आश्रम से में प्रवेश करती हैं और प्रथम अंक है यहीं समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इस प्रथम अंक की जो कथा वस्तु है इस प्रकार है। तो वहाँ योगेंद्रन और प्रथम अंक में पद्मावती के पास योगेंद्रन द्वारा पद्मावती के पास अवंतिका वासव दत्ता को धरोहर के रूप में उसके संरक्षण में रख देता है। ये प्रथम अंक की मूल घटना है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रथम अंक में क्या होता है। तो प्रथम अंक में यही मूल कथा है जिसके अंतर्गत मंत्री योगेंद्रन है वो वहाँ से विष बदल करके आते हैं और उस तपोवन में आ जाते हैं जहाँ पद्मावती तपस्वियों को कुछ धर्मार्थ करने के लिए घोषणा करती है। उसी घोषणा में वो भी बोल देता है कि मुझे भी मेरी भी एक तरह से एक समस्या है जिसका समस्या का समाधान ये है कि ये मेरी बहन है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ कुछ जीविकोपार्जन करने के लिए और अतः इतने दिन के लिए मेरी बहन को आप अपने संरक्षण में धरोहर के रूप में रख लीजिए और जब मैं वापस लौटूंगा उस समय आप मुझे मेरी बहन वापस कर देना, बस यही मेरी एक मनोकामना है। अगर आप मेरा ये कार्य कर देंगे तो मुझे मैं आपका कृतार्थ समझूंगा। और इस बात को वह स्वीकार कर लेती है पद्मावती और पद्मावती उसकी बहन
अवंती का वेश धारिणी उस वासव दत्ता को अपने राजमहल ले जाती है और दोनों साथ साथ वहीं रहते हैं जब तक कि मंत्री योगेंद्रण पुनः लौट करके नहीं आता। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।